हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का अभाव हो तो शरीर मात्र से हमें मनुष्य नहीं कहा जा सकता। हर मनुष्य को अपने अंदर मानवीय मूल्यों को इकट्ठा करना चाहिए, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक लघु कथा सुना रही हूँ। त्याग। त्याग मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को हर चीज़ का त्याग करना चाहिए, चाहे वह पैसे का त्याग हो, चाहे वह मोह का त्याग हो, चाहे वह धन का त्याग हो, हर चीज़ को त्यागना चाहिए। यही मनुष्य का जीवन है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक लघु कथा सुना रही हूँ। एक बहेलिया था, वह जंगल में जाकर पक्षियों को पकड़ता और उनको ले जाकर शहर में बेच देता था, और उससे जो पैसा मिलता तो वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। भरण पोषण के लिए उसका और कोई धंधा नहीं था, सिर्फ यही एक धंधा उसका था। तो वह क्या करता कि जंगल में जाता और वहाँ पर बहुत पक्षियों को पकड़ता, कभी तोता, कभी मैना, कभी कबूतर, कभी जो भी बटेर, जो भी उसको पक्षी मिल जाते वह उनको पकड़ लेता और शहर में ले जाके बेच देता। एक दिन क्या हुआ कि वह जंगल में गया तो उसको एक कबूतरी ही पकड़ में आई। तो उसने कहा कि एक कबूतरी को ले जाकर मैं क्या करूँगा, अभी मुझे और भी मिल जाते पक्षी तो फिर मैं उनको ले जाता और शहर में बेच देता। इसी उधेड़ बुन में वह जंगल में घूमता रहा। घूमते घूमते उसको रात हो गई। रात हो जाने की वजह से उसको ठंड भी लगने लगी। अब उसने कहा क्या करें। उसने जो है एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना सैन बना लिया। बोला आज तो यहीं रात बिताना पड़ेगी, सुबह मैं यहाँ से जंगल से बाहर निकलूँगा। तो वह वहीं जाकर बैठ गया और वह कबूतरी भी वहीं बैठी थी। तभी कबूतर कहने लगा, हे प्राण प्रिय, आज तुम अभी तक क्यों नहीं आई? आज तुम्हारे ना आने से मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, आ जाओ आ जाओ। यह वह कबूतर बार बार यही कह रहा था। तभी वह भेड़िया कहने लगा कि मैं भूखा प्यासा ठंड में यहाँ ठिठुर रहा हूँ, यहाँ मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है। तो कबूतरी ने सुन लिया। तो कबूतरी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मैं तो इस बहेलिए के कैद में हूँ, मैं तो अब छूट नहीं सकती हूँ। तुम एक काम करो कि इस बहेलिए की मदद करो। तो उसने कबूतर ने कहा कि इस दुष्ट की मैं क्यों मदद करूँ, इसने मेरी पत्नी को कैद करके रखा है और तुम कहती हो कि इसकी मदद करो। तो कबूतरी बोली, यह अपना अतिथि है, अतिथि है, यह जो है अपने घर के दरवाजे आया है, यह भूखा प्यासा पड़ा है, अपना तो धर्म यही कहता है कि अपन को इसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर ने कहा, ठीक है, अब तुम तो उसकी कैद में हो ही, तो अब मैं क्या करूँगा जी के। तो कबूतर भी नीचे आ गया और उस भेलिया से कहने लगा, भेलिया भाई, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो बहेलिया ने कहा कि ठंड बहुत अधिक है और मुझे भूख भी लगी है, मैं क्या करूँ, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। तो बह गया कबूतर और कहीं से सूखी सूखी लकड़ियों को बीन कर अपनी चोंच से चुन चुन के ले आया, और कहीं से अंगारा लाया अपनी चोंच में दबा के, और उसने उस बहेलिए के लिए आग जला दी। आग जलने लगी तो उसने कहा कि बहेलिया भाई, आपके लिए मैंने आग जला दी है, अब आप इसमें अपने हाथ पैर से को, मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध करता हूँ। लेकिन वह यहाँ वहाँ गया तो उसको कुछ भी भोजन नहीं मिला। तो उस कबूतर ने कहा कि बहेलिया भाई, मुझे कुछ भी नहीं मिला है और आप मेरे दरवाजे पर आए हो, आप मेरे अतिथि हो, अतः मैं आपको भूखा नहीं रख सकता हूँ, और ये मेरे पास तो सिर्फ मेरे प्राण हैं जिससे आपकी शायद थोड़ी बहुत भूख कम हो जाए। और उसने अपने को उस अग्नि में
डाल दिया और भुंजने लगा। भेलिया ने देखा कि अरे ये तो कबूतर कितना त्यागी निकला, इसने तो अपना जीवन ही त्याग दिया, अतिथि के लिए अपना जीवन ही त्याग दिया। कबूतर की यह स्थिति देखकर उसको भी थोड़ा सा ज्ञान आया और उसने उस कबूतरी को छोड़ दिया, और उसने भी कबूतरी को छोड़ दिया और बोला आज के बाद मैं यह धंधा नहीं करूँगा। तो कबूतरी भी बोली, कहने लगी कि हे भाई, एक कबूतर से आपका क्या पेट भरेगा, एक कबूतर से तो आपका पेट नहीं भरेगा, आप आधे भूखे रह जाएंगे। आप हमारे घर के दरवाजे आए हैं, आप हमारे अतिथि हैं, अतः अतिथि का सत्कार करना हमारे धर्म में सबसे पहले आता है, अतः मैं भी आपको अपने प्राण देती हूँ, अपना शरीर देती हूँ, आप मेरे शरीर को भी खा लीजिए। और उसने भी उसी आग में अपने शरीर को डाल दिया। अब भेलिया सोचने लगा कि इन पशुओं ने अपना मानव धर्म कितना अच्छे से निभाया, पशु धर्म निभाया और मानव धर्म के हिसाब से, तो मुझे भी अपना प्राश्चित करना चाहिए। और वह भेलिया भी उसी आग में कूद गया और भस्म हो गया, और उसको अपने सच्चे मन से त्याग किया उसने अपने शरीर का, तो उसको भी विष्णु का धाम प्राप्त हुआ और वह भी विष्णु लोक में चला गया, और तीनों कबूतर कबूतरी और वह तीनों विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु भगवान अपने भक्तों को आया हुआ देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कबूतर और कबूतरी तो भगवान के अनन्य भक्त थे, वो तो हमेशा ही अपने प्रभु की आराधना करते रहते थे। इसलिए इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए, यह मानव का बहुत बड़ा धर्म है। मनुष्य का यह धर्म है कि जो भी अपने दरवाजे पर आए उसका सत्कार करो, यही अपने हिंदुओं का धर्म है। ये तो प्राचीन कहानियाँ हैं, मुझे तो बस सिर्फ कहानी मैं सुना रही हूँ, मैं कहानी सिर्फ सुनाती हूँ। आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो लाल बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे सदस्य बनिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, हमको थोड़ा सा प्रोत्साहित तो कीजिए। दादी का सबको नमस्कार, आशीर्वाद, धन्यवाद।